वहीं किसानों के फसलों की हुई क्षति के आकलन और उनकी क्षतिपूर्ति को लेकर सोनभद्र जिला प्रशासन सर्वे के काम में पूरी तरह जुटा है, जिससे जल्द से जल्द किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा सके। कृषि विभाग से लेकर बीमा और राजस्व की टीम उन क्षेत्रों में जाकर क्षति का आकलन करने में जुटी है, जहां के बीमित किसानों ने अपनी फसल की क्षति होने की सूचना निर्धारित पोर्टल पर दी है। आकलन और क्षतिपूर्ति के कार्य में लगे सोनभद्र जिले के कृषि उपनिदेशक डीके गुप्ता ने बताया कि अभी तक लगभग 50 किसानों ने अपनी क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया है, जिसके लिए टीम सर्वे कर रही है और अभी तक 6 से 7% क्षति का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चला है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और स्वीकृति आते ही किसानों की उनके क्षति के हिसाब से भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे किसान भाई रबी में अपने फसल का बीमा कराए थे, उनको समय पर इन्फॉर्म किया गया था कि अपने प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पर अगर कोई इस तरह का नुकसान हुआ है तो तुरंत उनको 72 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करें। तो ऐसे केस में 46 लोगों ने फसल बीमा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और इन्फॉर्म किया है। सर्वे वहां से हो रहा है, सर्वे होने के उपरांत सर्वे रिपोर्ट जाएगी, उसके आधार पर आकलन के पश्चात जो क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उम्मीद है कि सर्वे के रिपोर्ट आने के लगभग हमको मान के चले कि 20-25 दिन में उनको जो है रिपोर्ट आ जाएगी, उसके अनुसार उनकी अगर क्षति हुई तो क्षतिपूर्ति मिल जाएगी।